शर्म आनी चाहिए उन्हें, ऐसे अलाउड नहीं है, अनसब्सटेंशिएटेड अटैक कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, मुझे फ्रांस के प्रेसिडेंट का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे ये कहा। अरे भाई, इसके क्या गारंटी है, उसने तुमसे क्या कहा? शायद उसने ये भी कहा हो राहुल गांधी से, बड़ा अच्छा कुर्ता पजामा पहनते हैं आप, ये भी कहा हो सकता है कि आपने भी बोलना सीख लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं वो उनको। हमें इसकी क्या क्या सबूत क्या है? जिस चीज़ का आप सबूत नहीं दे सकते, वो चीज़ आप पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते। ऐसे लांछन लगाने को तो कोई भी लगाएगा। आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप निर्मला जी के लिए खिलाफ बोल रहे हैं, निर्मला जी ने सारे कागज़ रख दिए अंदर, सारे दिखा दिए, उनके उनकी सरकार के साइन किए हुए सीक्रेसी पैक्ट है, अलाउड नहीं है उसके बारे में बाहर बोलना। और वो फ्रांस के प्रधान ने और यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने के एंटनी जी का साइन किया हुआ है। तो मतलब आपने सिर्फ शोरी मचा, फिर नाटक कर रहे हैं, आकर मोदी जी को गले लगा रहे हैं। अभी ये क्या है, अभी मेरे को लगता है अभी नेक्स्ट स्टेप इनका बॉलीवुड होगा। हम लोग तो वहाँ से यहाँ आ गए, राहुल जी को वहाँ भेजना पड़ेगा, थोड़ी एक्टिंग वैक्टिंग थोड़ी सी मंझ जाए उनकी, थोड़ी और अच्छे से करें एक्टिंग, तब मज़ा आएगा। अच्छा, क्लास लेने के लिए तैयार हैं? आप क्लास लेने के लिए तैयार हैं राहुल गांधी? अरे भैया, उनको आज तक कोई और पूरी कांग्रेस में नहीं सिखा पाया, हम क्या सिखा पाएंगे आप बताइए, है ना? वो सीखने के वो आगे निकल चुके हैं उससे।